कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल की सजा के बाद एक तरफ जहां जोरदार सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी टेंशन बढ़ गई है। वहीं इस बीच राहुल गांधी को सूरत हवाई अड्डे से निकलते हुए देखा गया, जहां पहले से मीडिया मौजूद थी, लेकिन इस दौरान राहुल का मिजाज थोड़ा बदला हुआ नजर आया। राहुल बिना रुके और बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहां से चले गए। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राहुल गांधी को परेशान करने से, जेल की धमकी देने से उनका शासन सलामत रहेगा। उन्होंने कहा कि राहुल ना डरे हैं ना डरेंगे। घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राहुल जी को परेशान करने से, जेल की धमकी देने से उनका शासन सलामत रहेगा। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था ना अंग्रेजों का रहा था। राहुल जी ना डरे हैं ना डरेंगे। कांग्रेस पार्टी की, राहुल जी की, गांधी परिवार की ये परंपरा रही है कि सभी समाज का हम सम्मान करते हैं। एक गलत झूठी बात जिसमें कोई दम नहीं था, पर ये अदानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल जी के खिलाफ जो केस था उसमें कंप्लेनेंट खुद जाके हाईकोर्ट में स्टे लेके बैठे थे। जजीज का तबादला टेन्योर खत्म होने से पहले क्यों हुआ, बहुत सारे सवाल है। और जिसमें केस ही नहीं बनता था वहां पे 2 साल की सजा की बात करते हैं, पर इससे पूरे देश की सिंपथी राहुल जी के साथ है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात की पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। बहरहाल राहुल गांधी को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन अब उनकी सांसदी पर खतरे की तलवार लटक रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।